हेलो फ्रेंड्स। तो अभी देखिए, मैंने चार्ट का रखा है दोस्तों, जिंदल स्टील का, राइट। टारगेट डिस्कस करेंगे 22 सितंबर के लिए। दोस्तों ये देखिए, मैंने चार्ट का रखा है, चार्ट पे स्टडी करते हैं। जिंदल स्टील देखिए, एक लेवल पे रेंज बाउंड सेट करा था 400 के आसपास, बट देखिए 17 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में अच्छी खासी मार्केट में गिरावट की वजह से शेयर 400 से 348 तक आ गया था। अब आज की डेट में देखिए, सेकेंड हाफ में रिकवरी हुई मार्केट में, तो शेयर भी एक अच्छी खासी रिकवरी हुई है। तो मेरा मानना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कल की डेट में अगर मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा आप मूव देखने के लिए रेडी है। ये पहला टारगेट 386 क्रॉस किया था, आपको 402 तक का लेवल देखने को मिल जाएगा। तीन लेवल सब ध्यान रखिएगा। दूसरा शेयर है जेएसडब्ल्यू स्टील। तो देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील का मैंने चार्ट रखा है, टारगेट डिस्कस करेंगे 22 सितंबर के लिए। तो सेम चीज है दोस्तों, पहले रेंज बाउंड सेट कर रहा था 692-700 के आसपास, 2 दिन में अच्छी खासी गिरावट हुई 17 सितंबर और 20 सितंबर को, तो शेयर ने भी एक लो बनाया 630 का। आज की डेट में सेकंड हाफ में देखिए मार्केट में इंप्रूवमेंट हुआ, शेयर में भी इंप्रूवमेंट हो गया, 669 पे क्लोजिंग हुई। तो दोस्तों मेरा मानना है थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट करेगा कल की डेट में, इसमें सीधा पहला टारगेट होना चाहिए आपको 698 का। 698 क्रॉस किया तो आपको 20-30 पॉइंट का और ऊपर के लेवल पे जंप देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये लेवल सब ध्यान रखिएगा।